चिन्नजी और स्वामी जी महाराज, मंचस्थ उपस्थित अन्य सभी मान्यवर और मेरे सामने बैठे हुए सभी सुधी नागरिक जन, माता भगिनी, यहां मैं आया हूं तो कोई औपचारिक कार्यक्रम है ऐसा नहीं है, मेरे लिए अपना घर का ही काम है। क्योंकि अभी स्वामी जी ने बताया कि संस्कार मिलता है और संघ भी संस्कार का ही काम करता है। एक आनंद का प्रसंग है हम सब लोगों के लिए कि शिक्षा क्षेत्र में विद्या भारती जो काम करती है, मुक्त करने वाली शिक्षा मिले, पेट भरने वाली शिक्षा, वास्तव में पेट भरने के लिए शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, दम चाहिए। जिसमें दम है वो अपना पेट भरता है और शिक्षित लोगों को अपने नौकरी पे रखता है, ऐसा हम देखते हैं दुनिया में। शिक्षित होना है क्यों, मनुष्य होना है, स्वामी जी ने बताया ऐसा। लेकिन इस कार्य के पीछे समाज का सहयोग ऐसे प्रसंगों पर दिखता है। अब यहां ये जो प्रकल्प चल रहा है इसका खर्चा कुछ कम है नहीं, लेकिन आप लोगों ने बड़ा उदार मन से इसके लिए इन तीन भवनों का निर्माण संपन्न कर दिया है। ये भवन होगा तो व्यक्तिगत आपका लाभ कुछ नहीं, इसमें मिलता नहीं है कुछ। हम संघ के स्वयंसेवकों की काम करने की आदत यह है कि जीवन भर खपते हैं और कोई थैंक यू भी नहीं कहता। कभी पूछा तो कहेंगे कि इससे ज्यादा तुम कर सकते थे, क्यों नहीं किया। लेकिन ऐसा होने के बाद भी आपका हाथ यहां पर लगा है और जो अभी दुनियादारी में संकेत है उसके अनुसार आपका धन्यवाद भी हमने किया है और करेंगे, करते रहेंगे। परंतु वास्तव में सोचिए कि हम सुख में क्यों रह सकते हैं इस दुनिया में। उसका कारण है कि हम लोग सब साथ में हैं, एक है। जब तक हम एक है तब तक हम सुख में रहेंगे। लेकिन हम एक कितने दिन रहेंगे, क्योंकि किसी के डर के मारे अगर हम एक है तो डर तो ज्यादा दिन चलता नहीं। किसी स्वार्थ के लिए एक है तो स्वार्थ पूरा होने के बाद अलग हो जाएंगे। असली एकता अंदर से आनी पड़ती है, क्योंकि हमारा देश हो या दुनिया हो इसमें सब अलग अलग ही दिखता है। भाषा अलग है, भूषा अलग है, खान पान, रीति रिवाज, देवी देवता, रहने के स्थान, रहन सहन, ये सब अलग है। हम एक है किस आधार पर है? अपने यहां कहा गया है कि अंदर सब में राम है, सारा जगत नारायण से ही व्याप्त है। अपने एक चतुर्थांश अस्तित्व से जगत को व्याप्त कर तीन चतुर्थांशों बाकी है अभी, और वो हमारी एकता की भूमि है। ये ऊपर वाला अलगाव ये बदलते रहता है, भाषा भूषा वगैरह सब बदलते रहता है, लेकिन वो अंदर की एकता कभी बदलती नहीं। सृष्टि के उत्पन्न होने के पहले से वो है और सृष्टि विलय होने के बाद भी वो रहने वाली है, नई सृष्टि उसी से निकलेगी। ये विविधता उस एकता का ही आविष्कार है। उसको जानने से फिर कोई अपना वैरी नहीं रहता, कोई पराया नहीं रहता, कोई अलग नहीं रहता, सर्वम विष्णुमयम जगत, ऐसी स्थिति हो जाती है। और वास्तव में सबके लिए अपना कौन होता है, ऐसा व्यक्ति होता है। और इसलिए ऐसे व्यक्ति को हम अपना पूजनीय मानते हैं, उनको भगवान मानते हैं, उनको अवतार कहते हैं, जो अपने जीवन से सिखाते हैं कि सबको एक मानकर विविधता में कैसे रहना।
वो व्यवहार ज्ञान है, उसको हम अविद्या कहते हैं। वो अविद्या भी सीखना आवश्यक होता है। गुरु ने बताया कि सब जगह नारायण है। शिष्य बाजार में गया, सामान खरीदते खरीदते एक हाथी आया वहां पागल हाथी, और वो सबको रौंदने लगा तो लोग भागने लगे, भागो भागो भागो। शिष्य ने विचार कहा है, गुरु जी ने कहा है सब नारायण है, हाथी भी नारायण है, तो मैं भी नारायण हूं, हाथी भी नारायण है, मेरा क्या नुकसान होगा। वो हाथी के सामने चला गया तो हाथी ने उसको सूंड में पकड़ा, उठा के फेंक दिया, हाथ पैर टूट गए, हॉस्पिटल में जाना पड़ा। उपचार वगैरह करने के बाद मठ में उसको लेके आए गुरु के सामने। गुरु ने पूछा, अरे ये क्या हो गया? तो क्या गुरु जी, आपने बताया ना, उपदेश किया उसका फल है, सब नारायण आपने कहा, मैं हाथी नारायण के सामने गया, उस नारायण ने मेरे नारायण की ऐसी अवस्था कर दी। गुरु का नहीं, मेरे उपदेश का यह फल नहीं है, ये विद्या है। अंदर जो है, अपने अंदर सुख तो वास्तव में अंदर होता है, अंदर का समझना ये विद्या है, वो मुक्त करती है। बाहर की अविद्या है, विद्या अविद्या का समन्वय कैसे करते हैं? गुरुजी ने कहा कि वो हाथी नारायण अकेला ही आ रहा था, तो बोले अकेला ही था और क्या हुआ, उसके ऊपर एक महावत बैठा था जिसके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं था वो, तो बोले वो भी नारायण था। बोले हाँ, वो क्या कह रहा था? वो भी चिल्ला रहा था भागो भागो, तो बोले उस नारायण की तुमने नहीं सुनी इसलिए ऐसा हो गया। जीवन जीने की कला जो ये अलगाव भरा विश्व है उसमें से जाना है, लेकिन सत्य जो है इस मिथ्या के पीछे, हम सब एक है, उस पर पक्का रह के जाना है। उसमें से एकता आती है, उसमें से सज्जनता आती है। सज्जनता में जो गुण है वो तो गुण है, उनका कोई दूसरा गुण नहीं है। विद्या है, विद्या है, विद्या अच्छी या बुरी नहीं होती। धन है, धन एक न्यूट्रल है, वो अच्छा बुरा नहीं होता है। शक्ति है, आपने शक्ति ठीक है, उसका कोई बुरा या अच्छा गुण नहीं होता है। उपयोग करने वाले की बुद्धि क्या है? जिसकी बुद्धि दुष्ट है वो क्या करता है? अपने यहां कहा है विद्या विवाद है, विद्या का उपयोग करना है तो दुष्ट लोग विद्या से विवाद ही पैदा करते हैं। अभी मैं यहां आया कल तो मैंने सुना कि एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है, और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। लेकिन मैं बैठक ले रहा हूं लोगों की, ऐसा दृश्य है उसमें, ये हुआ तो कभी है नहीं, लेकिन जो नहीं हुआ वो भी दिखा सकते, ऐसी विद्या है। विद्या क्या है? टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सोशल मीडिया है, अच्छी बातें भी जाती है, खराब बातें भी जाती है। वो सोशल मीडिया का गुण नहीं, सोशल मीडिया में भाग लेने वाले का गुण है। तो ऐसी कपोल कल्पित बातें लोगों में भेजकर विवाद पैदा करना उसका स्वार्थ है। चलो ठीक है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। वो जो एक चल रहा है अभी चुनाव का माहौल, उसमें ये बातें चलेगी। मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि ये सारे साधन, उनका अपना कोई खराब या अच्छा गुण नहीं है। विद्या विवाद आ, ये दुष्ट का गुण, दुष्ट बुद्धि का गुण है, दुष्ट बुद्धि है। धनम मद आय, धन में मदमस्त होकर चाहे जो अत्याचार करने वाले लोग दिखते ही, और शक्ति परेशान पर अपीडन आए, बल से भी हम बलवान हैं तो दूसरे बलवान को सहन ही नहीं करेंगे, और कोई निर्बल बलवान न हो पाए इसलिए उसको धक्के मारते रहेंगे। ये विद्या या धन या बल, इसका गुण नहीं है, ये मेरी दिशा है,
मैंने वो मनुष्यत्व के संस्कार नहीं पाए, इसलिए मैं अपने आप को ही मानता हूं, मैं हूं यानी मेरा अहंकार है और वही रहना चाहिए और बाकी सबको दबना चाहिए, इसलिए ये दुष्टता करता हूं। ये खलस्य है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो हो विपरीतमेतत्। साधु का इससे उल्टा होता है, क्या है? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या से ज्ञान देना, विद्या सीखने के साथ साथ ये बताना उसको कि इसको कल्याण के लिए उपयोग करना है। एटम को कैसे तोड़ा जाता है ये विद्या मैंने तुमको दी, इसके आधार पर बिजली पैदा करके किसानों के श्रमों को कम करो, इसका एटम बम बना के लोगों के शहर मत जलाओ, ये ज्ञान है, विवेक है, विवेक ही ज्ञान है। जो कुछ हमको प्रकृति से मिला है उसका अच्छे के लिए उपयोग करना, उसके लिए आदत चाहिए, उसके लिए संस्कार चाहिए, उसके लिए विद्या है। ये विद्यादान का काम ये हो रहा है। इसलिए आत्मा की बात महाराज जी ने बताई, तो अभी हम ये कह सकते हैं कि ये बड़ा परिसर, ये अच्छे बने हुए भवन, इसमें आगे शुरू होगा विद्यालय, ये सारी ऊपर से दिखने वाली बातें हैं, वो शरीर मन बुद्धि का काम करती है। परंतु आत्मा क्या है? आत्मा है मुक्त करने वाली विद्या का संस्कार, उस विद्या का ज्ञान यानी विवेक और आदत। तो हमने यहां तो हाथ लगाया, बहुत अच्छा, मुक्त मन से, उदार मन से हमने सब किया, लेकिन हमको उस अंदर की आत्मा का भी ध्यान रखना चाहिए। एक होता है लेटर अक्षर, दूसरा होता है स्पिरिट भाव। भावों के बिना अक्षर निरर्थक होते हैं, हानिकारक भी हो सकते हैं, और भाव को अगर योग्य अक्षर नहीं मिला तो वो प्रकट ही नहीं हो सकता है, दोनों चाहिए। जैसा भाव है वैसा अक्षर चाहिए, भाव से विपरीत अक्षर नहीं चाहिए, और अक्षर अगर भव्य है तो उतना ही भव्य भाव भी चाहिए। आज मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक अचीवमेंट है, दुनिया की भाषा में हमने एक बड़ा प्रकल्प खड़ा किया है, इंटरनेशनल उसको कहा है, इससे कीर्ति बढ़ेगी, लोग इसको देख के आश्चर्य करेंगे, वाह बहुत बड़ा काम हुआ ऐसा कहेंगे। लेकिन क्यों कह रहे हैं? तो विद्या भारती 1952 के समय से, या 57 क्या है 57 52 1952 से एक पुराने कमरे में, खंडहर नुमा घर के पुराने कमरे में 12-15 बच्चों को लेकर ये काम शुरू करने के बाद उसको करती आई है सब परिस्थितियों। उस तपस्या का फल है, वो तपस्या बनी रहे तो ये बढ़ता जाएगा। और तपस्या बनाने वाले केवल विद्या भारती के कार्यकर्ता नहीं है, वो तो है ही, वो लगे रहेंगे, वो काम करेंगे। लेकिन जैसे अब वो ये संस्कार दे रहे, तो महाराज जी ने जैसे मातृभाषा की बात की, स्वतंत्र है तो स्व क्या है? अब हर प्रगति का आधार स्वरूप होता है, हम स्व क्या, मुक्ति कब मिलती है? स्वरूप को जानते हैं, तो स्वरूप को जानते हैं तो पता चलता है कि सब में वही है, फिर सब अपने हैं। तो हमारा स्वरूप क्या है? वो स्वरूप बाहर प्रकट होता है भाषा भूषा भजन भवन भ्रमण भोजन से। तो विद्या भारती के विद्यालय में तो उसकी चिंता की जाएगी इंग्लिश मीडियम होने के बाद भी, और यह प्रयास किया जाएगा कि विदेशी भाषा में स्व का भाव बदल न जाए, करना ही पड़ेगा, और भाषा विदेशी लेने के बाद ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव की बात भाषा ही है,
मातृभाषा का आग्रह इसलिए है, लेकिन दुनियादारी के चलते कुछ करना पड़ा, वो मजबूरी है। अगर ये भाव है तो विद्या भारती तो उसकी चिंता कर लेगी, तपस्वी कार्यकर्ता है वो कर लेंगे। परंतु क्या हम ये नहीं जानते कि विद्या केवल विद्यालयों में नहीं होती, वो अपने घर में भी होती है और समाज में भी होती है। तो अपने घर की चौखट के अंदर कम से कम हम ये कह सकते हैं कि हमारे घर के अंदर आने से आपको स्वभूषा ही मिलेगी, स्वभाषा ही मिलेगी, स्वभाव ही मिलेगा। हमारे घर के अंदर एकाध बार इतवार के दिन पिज्जा वगैरह बुलाया या बाहर जाकर खाया ठीक है, लेकिन घर का बना हुआ हमारा परंपरागत भोजन खाने को मिलेगा। हमारे यहां हमारे घर के अंदर हमारे ही भजन मिलेंगे, हमारी ही भाषा बोली जाएगी। हम भ्रमण करने जाएंगे तो सारी दुनिया देखेंगे, देखनी भी चाहिए, परंतु हमारे घर के अंदर भी हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे तीर्थस्थल हैं। सिंगापुर जाएंगे लेकिन उसके पहले अयोध्या जाके आएंगे। और जैसे हम तीर्थस्थलों में जाते हैं वैसे हमारे अपने देश के बंधु पीछे एक झुग्गी झोपड़ी बनाकर उसमें रहते वहां भी जाएंगे, उनसे भी दोस्ती करेंगे। देश भी हमारा कुटुंब है, हम विश्व कुटुंब की बात करते हैं, हर स्तर पर हमारा कुटुंब है। मेरा अपना कुटुंब है, हमारा भाग्यनगर हमारा एक कुटुंब है, पूरा भारत मेरा एक कुटुंब है, और हर छोटा कुटुंब बड़े कुटुंब के लिए होता है। मैं एक व्यक्ति हूं, मैं अपने कुटुंब के लिए उससे ऊपर नहीं हूं। मेरा कुटुंब अपने गांव के लिए, गांव से ऊपर मैं नहीं हूं, और मेरा गांव अपने देश के लिए है, देश से ऊपर नहीं है। और भारत ये बारंबार सिद्ध करता है कि अगर ये कसौटी देखी जाए तो विश्व के हित में भारत अपने हित को पीछे रखकर मदद करता है। अभी पिछले 10-15 वर्षों में 10 बार इसको किया है। हम जब विश्व बंधुत्व की बात करते हो ये गप्प नहीं होती, हो हम करते हैं, ये हमारा स्वभाव है। हम अपने घर के अंदर इस स्वभाव को बरकरार रख सकते हैं, उन संस्कारों को हमने ठीक रखा है, इसकी चिंता कर सकते हैं। समाज में भी, सामाजिक संस्थाओं में हमारा अच्छा सहभाग है सब लोगों का। हम ये देखेंगे कि जो कार्यक्रम होंगे हमारे वो इस भलमन साहत को सिखाने वाले ही होंगे। विद्या का उपयोग ज्ञानदान के लिए करो, धन का उपयोग दान के लिए करो, और शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा करने के लिए करो, ये संदेश देने वाले ही कार्यक्रम समाज में हम करेंगे। ये सारे साधन है, उसका उचित उपयोग करेंगे, अनुचित उपयोग नहीं करेंगे, ये सारी बातें हम कर सकते हैं। जो आपने मेन मनी एम्यूनिशन में विद्या भारती के पास मेन है, काम करने वाले लोग हैं, मनी और एम्यूनिशन की चिंता आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए और अधिक अच्छी कीजिए। परंतु साथ साथ ये सारा जो हम कर रहे हैं उसके पीछे जो भाव है, उस भाव के अनुरूप संस्थाएं तो अपना अपना काम करेंगी, अपने घर में भी हम अपना काम करें और संस्थाओं की मदद करते चले, इतना एक अनुरोध आपके सामने मैं रखता हूं। और मेरे चार शब्द समाप्त करता हूं।